सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। इस भारतवर्ष में अनादि काल से सत्य की खोज होती रही, ये हमारे शास्त्रों से ज्ञात होता है और अनेक मार्गों से हमने सत्य की खोज की। अपना देश एक विशेष रूप से आध्यात्मिक, उसका कारण यह कि अपने देश में बहुत सी बातें बहुत सुलभ है। हम जानते ही नहीं कि हमारा देश कितना समृद्ध है और कितना पावन है और यहाँ के लोग कितने सरल और मल रहित। विदेश के लोगों को हम लोग मिक्स कहते थे क्योंकि देखते थे कि ये लोग जो यहाँ आए इनकी सारी इच्छाएं मर के और जाती। हमारे जमाने में क्योंकि अब तुम बुढ़े हो गए तो ये देखा जाता था कि ये जो लोग बाहर से आए हैं ये कितने उठके, इनकी सारी दृष्टि कितनी उठली, इनकी जो इच्छाएं होती थी वो कितनी उठली। धीरे धीरे अपने देश पर भी इस पाश्चिमात्य संस्कृति की बड़ी जबरदस्त पकड़ आने, और उसका कारण ये था कि 300 वर्ष से हमारे खोपड़ी के लोग लग गए और हम लोग धीरे धीरे ये समझने लग गए कि ये बड़े कोई महान है जो हमारे देश में आए हैं और हमारे ऊपर राज कर। वास्तविक में इन्होंने सबको बेवकूफ बना बना कर ही अपना कार्य साधा। दूसरे कर्मकांडों की वजह से अनेक तरह की विचित्र विचित्र रीतियां कुरीतियां हमारे समाज में आ जाने के कारण हम लोग संस्कृति ही बनते, हमारी संस्कृति मिटती गई। विशेषकर उत्तर हिंदुस्तान में मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि इतने साधक सामने हों। इसका कारण हो सकता है कि पूर्व जन्म के आप बहुत बड़े साधक रहे हो और आपने बड़ी साधना की हो, जो आप हठात आज सत्य जानने के लिए आतुर हो गए। नहीं तो हर तरह के धर्म मार्तंडों ने, उसी प्रकार झूठे लोगों ने नहीं गलत गलत बातें देश में फैला दी और उसके पीछे इतने लोग लग गए थे। पर आज ऐसा समय आ गया है कि लोग सोचते हैं कि सत्य को ही पाना और सत्य की परिभाषा क्या वो जानना। सत्य क्या है ये अगर मैं आपको बताऊं तो आपको विश्वास नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि मैं कह रहे हैं कि उसे परखना चाहिए। सत्य है कि आप ये शरीर बुद्धि मन अहंकार और कुसंस्कार आदि उपाधि नहीं है, किंतु आप स्वयं साक्षात आत्मा हो। आत्मा क्या है? आत्मा उसी परमात्मा का आप में आया हुआ प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन। वो आपको बनना है और बाकी जो कुछ है वो सब व्यर्थ, क्योंकि जब तक आपने अपने को नहीं पहचाना तब तक आप किसी भी चीज की यथार्थता रियालिटी नहीं जान सकते। मोहम्मद साहब ने तक कहा कि अगर तुमने अपने को पहचाना नहीं तो तुम परमात्मा को नहीं पहचान सकते, इसलिए पहले अपने को पहचानना चाहिए।
मैंने पहचानना जो है वो एक विशेष स्थिति। आज आप मानव स्थिति में, और मानव स्थिति से आगे और कोई स्थिति जरूर होगी, नहीं तो आजकल का जो हम संसार में उपद्रव देख रहे हैं और जो हर तरह की नष्ट भ्रष्ट व्यवस्थाएं देख रहे हैं, तब इसका कोई ना कोई ऐसा मार्ग तो होगा ही जिससे मनुष्य का उद्धरण हो जाए। उनके उद्धार की बात तो सब साधु संतों ने करी और जितने भी बड़े बड़े अवतरण हुए उन्होंने करी। फिर वो उद्धार कब होगा और कैसे होगा? सहज प्रणाली की बात मैंने कही, ऐसी बात ये अनादि काल से इसे सहज कहा जाता है। जो ये प्राप्त करना है यह है सहज। पर पहले जमाने में ऐसे ऐसे लोग हो गए जो गलत रास्ते पर लोगों को ले जाते हैं। ये किताब पढ़ो तो हो जाएगा, गंगा जी में नहाओ तो हो जाएगा, ये तो और कुछ उपद्रव करो तो हो जाएगा, ऐसी नानाविध उपकरणों से लोगों को आच्छादित कर दिया, पूरी तरह से ढक दिया, उनके दिमाग में भर दिया। अब जैसे छोटी चीज है सत्य नारायण की पूछ, अब लोग उसमें दिमाग भी नहीं लगाते कि जब नारायण स्वयं सत्य स्वरूप है तो उसमें सत्य लगाने की जरूरत। अंधे जैसी ये सारी प्रथाएं हमारे यहाँ होती है, ये हिंदू धर्म में हुआ था नहीं, ईसाइयों में इससे भी ज्यादा और उससे भी ज्यादा मुसलमानों में। लकीर की फकीरी जो पकड़ ली उससे उनका उद्धार तो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। लेकिन जो कहा गया है कि तुम्हारे ही अंदर वो है, उसे खुद उसको प्राप्त, उस चीज को सब भूल जाते। एक तो स्त्री आचार कि ये खाएंगे नहीं, वो खाएंगे नहीं, सर मुड़ाएंगे और शरीर पे कुछ कपड़ा नहीं रखेंगे, ये सब करने से हमें परमात्मा प्राप्त। एक सादी सरल बात को सोचना चाहिए कि परमात्मा आपके पिता है। कोई भी पिता चाहेगा कि मेरा बेटा भूखा मरे, और जो उस पिता के पिता, सारे पिताओं के पिता, जो जिनसे की पिता का स्वभाव हम पितृत्व को प्राप्त करते हैं, वो परमात्मा ये चाहेंगे कि आप अपने सर मुड़ाओ और भूखे मरो। किंतु मनुष्य धर्म के मामले में सोचता कि जो धर्म हम पालन कर रहे हैं उससे क्या लाभ, उससे हमने क्या प्राप्त। हम तो जानते हैं कि जितने ऐसे धर्मावलंबी हैं जो धर्म के लिए बहुत कठिन से कठिन तपस्या वगैरह करते हैं, वो इस कदर गुस्से होते हैं कि उनके पास जाना मुश्किल। और अगर आप जाइए भी तो कोई लकड़ी वकड़ी लेके साथ जाइए, क्यों, उनको तो बात बात में गुस्सा था। अभी मैंने एक इसमें लिखा कि कारण क्या है इसका, साइंटिफिक कारण यह है कि हमारे अंदर जो जीन्स है उसका एक डेटाबेस, उसमें तीन चीजें हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट है, एक नाइट्रोजन, एक फॉस्फोरस। जिस वक्त हमारे अंदर तपस्विता घुस जाती है तब जल जल के हमारा पानी खत्म हो जाता है। ये जो पेशियां सेल से इसका पानी खत्म हो गया। अगर फॉस्फोरस को आप पानी से निकाल लीजिए तो भड़क जाएगा, और इसलिए लोग जो है वो भड़क जाते,
तो इस कदर की तपस्विता बहुत ही शांति के विरोध में, क्योंकि शारीरिक ही ऐसी क्रिया है। इसलिए आपने देखा पहले जमाने में दुर्वासा एक थे, वो ऐसे शाप देते थे। उनको सिर्फ शाप देना ही आता था, किसी को उद्धार उद्धार किया नहीं। मैंने सुना यह अध्यात्म नहीं, आत्मा का प्रकाश एक तरफा नहीं चलता, चारों तरफ। और ऐसा आदमी अपनी शांति में, अपने गौरव में शांत, ये स्थिति आने के लिए कोई चीज छोड़, उसको छोड़, उसको छोड़, कोई चीज छोड़ने की जरूरत नहीं। जो भी कुछ संसार में है वो वहां अपनी जगह। जैसे ही आप अपनी आत्मा को प्राप्त करेंगे, कुंडलिनी के जागरण से ये जब घटित होगा, तब आप देखेंगे कि सबके साथ आपका तादाद। और ऐसी ऐसी कविताएं सुनेंगी, ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आएंगी, इतनी सूक्ष्म, जो आपने कभी सोचा भी नहीं, कभी आपने देखा भी नहीं, कभी आपने गौर भी नहीं किया, आपके ध्यान में भी वो बात नहीं है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए पहले नानाविध उपचार लोग करते, गुरुओं को मानते थे, बहुत कोशिश करते थे, पर नहीं बनता। ये बात बिल्कुल सही है कि कुंडलिनी का जागरण बहुत कठिन। और एक बार किसी ने श्री रामदास स्वामी, जो कि शिवाजी के गुरु थे, उनसे पूछा कि कुंडलिनी का जागरण कितनी देर में होता। उनका जवाब था कि तत्क्षण, उसी क्षण, लेकिन लेने वाला भी चाहिए और देने वाला भी चाहिए। तो लेने वाले तो मुझे दिखाई दे रहे हैं सामने बैठे, और यह जमाना ऐसा, इस जमाने में आदमी एक कश्मकश में इतना ज्यादा, यह जमाना ही कलयुग की घोर कलाओं का, त्रासित मानव का एक बहुत ही जालिम जमाना है। एक दूसरे से बैर रखना, एक दूसरे को तकलीफ देना, एक दूसरे पे जबरदस्ती करना, वो चाहे घर गृहस्थी में हो, चाहे बाह्य में हो, वो राजकारण में हो, तो और किसी भी प्रांगण में हो, ये कार्य होता है। और बहुत से लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि हम गलत काम कर रहे हैं, कि हम किसी पर जबरदस्ती कर रहे हैं, या किसी को हम मार रहे हैं पीछे। और ये हर एक धर्म में हो रहा है। ऐसा कोई धर्म नहीं जहां मारपीट नहीं, जहां आफत नहीं। और लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि उनका धर्म सारे धर्म से ऊंचा नहीं, कोई विशेष धर्म नहीं। अगर आपका धर्म ऐसा विशेष है तो क्यों मर रहे हो, क्यों ऐसी हालत हो रही, क्यों तकलीफ में पड़े हो। हमारा धर्म सबसे ऊंचा। आप अगर कल दूसरे धर्म में पैदा होते तो उस धर्म के लिए आप यही बात। यानी धर्म को लेकर लड़ना ये परमात्मा के लिए बड़ी भारी लांछना, बहुत बड़ी लांछना। वो जमाना था, उस जमाने में जैसी जरूरत थी उन लोगों ने वो बात, पर उनको अदल बदल के ये वो करके और दूसरी बातें सामने ला करके और परमात्मा के नाम से लड़ना, इससे बढ़ के और कोई बात। दूसरों को मारना भगवान के नाम पर, इतना भगवान के नाम पर, जो परमात्मा क्षमाशील दयाशील करुणा के सागर,
उनका नाम लेकर के ऐसे दारुण कार्य करना किसी भी धर्म की लांछना। किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? कोई जमीन के लिए लड़ रहा है? ऐसे लोग जो निराकार में विश्वास करते हैं वो जमीन के लिए लड़ रहे हैं। अरे जब आपका निराकार में विश्वास है तो ये जमीन के लिए क्यों लड़ रहे? छोड़ो। लेकिन ये सब कहने से भी कुछ नहीं होने वाला। जिन्होंने ऐसा कहा वो निष्फल हुआ। किसी ने सुना खोले? किसी ने माना नहीं? ऐसे भाषा ही रह गई, बातें ही रह गई, लेक्चर रह गया, लेकिन उसका कोई असर नहीं। कारण ये कि मनुष्य अंधकार में अज्ञान के पड़ा हुआ। भाई कबीर ने कहा कि कैसे समझाऊं सब जग अंधा। वही बात थी। ये दिल्ली, मैं आपसे कहती हूँ, मैं पहले सोचती थी कि यहाँ सर पटकना बिल्कुल बेकार। उसी दिल्ली में मेरी जीवित अवस्था में मैं देखती हूँ, जाने किन शब्दों से मैं अपने आनंद को वर्णन कर सकती। इस जगह जहाँ कुंडलिनी का नाम किसी ने सुना था, किसी से कुंडलिनी की बात करते कहते कि आप हॉरोस्कोप देख के मैं अपना हॉरोस्कोप लेके आता हूँ। सो मैं कहती थी कि यहाँ कौन कैसे होगा, कुछ मालूम आती है कैसे होगा। लेकिन बाद में मैंने पाया कि यहाँ कोई पुरजन्म के बहुत बड़े साधु संत होंगे, खोजने वाले होंगे, ऐसे बड़े ही कोई धार्मिक लोग होंगे जो इस दिल्ली में आ गए और अब उनको ये इच्छा हो रही है कि हम अपने आत्मा को प्राप्त। वो जो उनके पुरजन्म की एक आस थी वो आज जागृत। नहीं तो मैं समझ नहीं पाती, मेरी शादी दिल्ली में हुई और मैं तो सोचती थी ये भगवान ये क्या शहर है, यहाँ तो लोग सिवाय कपड़े के और जेवर के और पैसों के और सत्ता के कोई बात ही नहीं करता, और कोई बात ही नहीं करता, और कोई पूछता ही नहीं। और उसी दिल्ली में आज आप लोग तो अपने आत्म साक्षात्कार के लिए आए हुए हैं। ये परम भाग्य इस देश का है, इसका सौभाग्य, क्योंकि भारतवर्ष एक बहुत महान देश, एक योग भूमि। लेकिन हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं। जब हम इस देश के बारे में कुछ जानते नहीं तो इससे हम प्रेम कैसे करें, इसके प्रति हम जागरूक कैसे होंगे। मैं हैरान, लंदन जैसे जगह में रहती थी, वहां का इंग्लैंड देश इतना सा है, इतना सा, उसमें कुछ कहना चाहिए कि हिंदुस्तान कितना जनान है, बहुत ही कम लोग, पर हरेक आदमी चप्पा चप्पा जानता है, हरेक बात मानता है और बड़े गौरव। वहां कोई चीज है नहीं गौरवशाली, सच बात की। मैंने किसी से पूछा कि ये तुम कहां से कांच का बर्तन खरीद लाए, फौरन उसने बताया वो फलाने जगह वहां है, नॉर्थ में ऐसा है और ये वो फैक्ट्री है उसमें बनता है। घर आना, वहां पड़ोसी आपस में बात नहीं करते, पर हर आदमी जानता है कि ये देश, हर एक चीज को जानता है, चाहे वो पढ़ा हो नहीं हो कुछ। एक देवी जी थी देहात में, उनके यहां गए तो वो ये नहीं जानती थी रशिया कहाँ है, पर लंदन के बारे में, हालांकि देहात में रहते, सारे देश के बारे में, इस देश क्या है वो कितना छोटा सा, एक ही चीज, एक ही बात। और अपने यहां तो हम लोग सब साहब हो गए, कहते हिंदुस्तान या क्या हो गया पता नहीं, किसी के बारे में कोई बात किसी को मालूम नहीं, पड़ोसी पड़ोसियों की बस बुराई करते थे। ये मैं पहले की बात बता रहा हूं, अब नहीं। और
कुछ पूछो, हमें नहीं मालूम। बहुत गुस्से से कहा, भाई फलाने कहाँ रहते? अरे वो क्या क्लर्क है क्या? तो नहीं पता, पर ये पता, वो तो क्लर्कों की बस्ती। तो आप कौन है? मैं हेड क्लर्क वेंकट। इस प्रकार इतना घमंड लोगों में था, इतना घमंड। और यहां कहां देखो, छोटी छोटी बातों में सबको बड़ा अपने बारे में ये कि मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं। वही हाल पुराने दिल्ली, वही हाल नई दिल्ली में। और किस बात का घमंड था सो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक तरह का ऐसा वातावरण था, सभ्रांत जिसे इल्यूजन, सभ्रांत। सबको कोई ना कोई इल्यूजन में बैठा होता कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, वैसा हूं। अगर आप पुरानी दिल्ली में जाइए तो वहां आप पूछो भला फलानी उसकी दुकान का, क्यों साहब हमारी दुकान क्या बुरी, यहां बैठिए आप। अरे भाई आप ऐसी बात करें तो कौन बैठेगा आपकी दुकान में? इस कदर कश्मकश, इस कदर आपसी बैर, इस कदर आपसी बुराई, वही दिल्ली आज सुव्यवस्थित होना चाहता है, आपस से प्रेम करना चाहता है और उस एकाकारिता को प्राप्त करना चाहिए जो परमात्मा की देन है। इससे आप ही बताइए मुझे क्या लग रहा होगा। बहुत दुनिया देखी है और इन दिल्ली वालों को मैं हजार बार नमस्कार। अब आप लोग अपनी जिम्मेदारियां भी समझ, आप ऐसे शहर में रहते हैं कि जिससे अपने भारतवर्ष की शौहरत सारे दुनिया में जानी जाती है। दिल्ली में जो कुछ भी होता है वो सारे दुनिया में जाना जाता है। क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ के लोग कैसे हैं, एक आदमी कहीं दिल्ली में मर गया तो सारी दुनिया में शोहरत हो जाएगी, और 25 आदमी और कहीं मर जाए तो कोई मतलब। तो इसका मतलब ये तो हो गया कि आप महत्वपूर्ण हैं, और आपका महत्व ये है कि आप इस देश की प्रतिनिधि, इस योग भूमि के, इस भारत वर्ष के आप प्रतिनिधि। आज आप आत्म साक्षात्कार के लिए आए, या बहुतों को हो भी गया, किंतु ये समझ लेना चाहिए कि जो जो आत्म साक्षात्कारी है उनका अपना अपना एक विशेष स्थान, और दिल्ली वालों का भी एक विशेष स्थान मैं मानती हूं कि राजधानी में आप बैठे और इस राजधानी में जो आत्म साक्षात्कारी होंगे, जो आत्मा को प्राप्त करें, उनके अंदर एक विशेष वैभवशाली शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए। और वो वैभवशाली शक्ति है प्रेम और सत्य, सत्य और प्रेम दोनों एक। जब आप सत्य को जानेंगे तो आप अपने आप ही शांत होंगे। जब आपने सत्य को जान लिया तब फिर एक शुद्ध होने में या डिस्टर्ब होने की कौन सी बात है, कुछ भी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं सत्य क्या है। पर सत्य और प्रेम दोनों चीज एक है। जिसने सत्य को जाना वो प्रेम से ही जान सकता। जैसे आप किसी को प्रेम करते हैं तो उसके बारे में आप सब जानते हैं कि इनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब चीज आप जानते हैं। उनके बोलने का इशारा क्या है, सब चीज आप जानते हैं अगर आप प्रेम करते हैं। और उसके लिए लगन रहती है। तो जब आप प्रेम से सत्य को जानिएगा तभी वो सत्य है। और अगर आप चाहें कि आप प्रेम को हटा दें
तो सत्य बुझ जाए, सत्य रह नहीं, क्योंकि सत्य की जो शिखा है उसकी जो दीप्ति है वो प्रेम के ही तेल पर चलती है। और प्रेम का मतलब ये नहीं कि हाँ भाई मैं तो अपने लड़के से प्यार करता हूँ, मैं लड़के से प्यार करता हूँ, मैं भाई से प्यार करता हूँ, मैं घर से प्यार करता हूँ, ये प्यार है। इसके लिए एक शब्द संस्कृत में निर्वाज, निर्लय, माने अलिप्त, डिटैच्ड। और आप लोग कहेंगे कि माँ प्रेम अगर निर्लेप हो जाए तो बहुत सी बातें छूट जाएंगी, ऐसा नहीं। एक पेड़ की ओर देखिए, उसके प्रेम की धारा, उसका रस सारे पेड़ पेड़ में चढ़ता है, हर जगह जाता है। उसके मूल में जाता है, उसकी शाखाओं में जाता है, उसके पत्तों पे जाता है, फूलों में जाता है, फलों में जाता है, लेकिन रुकता नहीं। या तो वह विलीन हो जाता है आकाश की ओर, या वापस पृथ्वी में चला जाता है। वो किसी जगह रुकता नहीं। गर वो रुक जाए, समझ लीजिए उसको एक फल बड़ा पसंद आ गया, या एक फूल बड़ा पसंद आ गया, तो वो पेड़ ही मर जाएगा और वो फल और फूल सभी मर जाएंगे। इसलिए जिसका देना है उसका वो देना है, जिसको जो रस देना है वो अपने घर में, गृहस्थी में, समाज में, अपने देश में और सारे विश्व में जिसको जो देना है वो दे, लेकिन उसमें लिपट न जाए। उसमें लिपटना जो है वो एक तरह से कहना चाहिए जिसे अंग्रेजी में ऑब्सेशन कहते हैं, चिपक हो। अब कोई सी भी चीज हो उससे आपकी प्रेम की शक्ति क्षीण हो जाए, बढ़ेगी नहीं। कहते हैं कि उदार चिंता नाम वसुधैव कुटुंबकम्, सारी वसुधा ही, सारी सृष्टि, सारे धरा ही उसका कुटुंब है। ये प्रेम की महिमा है। और इस प्रेम की महिमा को अगर आपने जान लिया तो आपको आश्चर्य होगा कि आत्मा के दर्शन से ये घटित होता है। मैंने देखा है जब लोग सहयोग में आते हैं तो सबसे पहले वो देखते हैं कि मेरे अंदर क्या त्रुटियां हैं, और मुझे आके बताते हैं, माँ ये देखिए महामूर्ख मैं हूँ, मैंने ऐसी ऐसी नुक्ता करी, ये क्या चाहिए। मैंने कहा तुम्हारे कन्फेशन मुझे नहीं चाहिए, तुम लिख के रखो। फिर मैं ऐसा बना, फिर मैंने वो किया, मैंने उसको ठगा, मैंने उसे जबरदस्ती करी, सब मुझे बताते। पहले मुझे दिखाई नहीं देता, आप तो मानो जैसे मेरे सामने मेरा एक आत्मा एक शीशा बन के खड़ा हो, और मेरी मुझे गलतियां समझ में आ रही है, और मैं सोचता हूँ मैं इतना खराब था। तो मैंने कहा जो हो गया सो बीत गया, अब भूतकाल तो है नहीं, खत्म हो गया, छोड़ो उसे, अब वर्तमान में तुम खड़े। वो सब स्वच्छ हो गया, और जिस तरह से कमल गंदे पानी से निकल करके सुरभित होकर ऊपर आ जाता है और इस सारी सारे वातावरण को सुरभित करता है, उसी प्रकार अब तुम होकर भूल जा। इसलिए जो गत है, जो भूत है, उसे भूल जा। और पर वो भूल ही जाता है बाद में, धीरे धीरे उसकी जब प्रगति होती है तो भूल जाता है। मैं रशिया में थी तब वहां कुंभ हुआ तो मैंने सजोगिस का, अरे तुमको कोई घबराहट नहीं हो रही क्या, तुम्हारे यहाँ कुंभ हुआ है, पता नहीं कौन राज्य में आए क्या। पहले माँ हम तो परमात्मा के साम्राज्य बैठे, हमको क्या डरना, साफ कह दियो हम तो परमात्मा के साम्राज्य। ये एक स्थिति है, ये बकवास से नहीं होता। लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे
सबसे बड़ा गुण मनुष्य को तब आता है कि वो निर्भयता से अपने को देखता है, उसको भय नहीं लगता, वो ये नहीं सोचता कि मैं ये कैसे सोचूं मैं क्या, क्योंकि वो अपने से अलग हट गया, वो जो पुराना था वो उतर गया और अब नया था। और ये जो नया जीव सामने आया है ये अत्यंत सुंदर और गौरवशाली स्वाभिमानी, ये नहीं कि ये अपने को सबके चरण छू महाराज बने, ये बात इसमें अपना स्वाभिमान, और उस स्वाभिमान में जो स्व है वही आत्मा, इसी स्व के तंत्र को जानना ही सहज, जिसने इस स्व के तंत्र को जाना वही स्वतंत्र हो जाता। स्व का तंत्र का मतलब यह है कि अपने आत्मा के तंत्र को जानना। अभी तक तो हम इस बुद्धि से या हमारे संस्कारों से पड़ी हुई बातों से छुपे हुए थे, अब हमारे अंदर आत्मा का जागरण होता है और उस जागरण में हम सब चीज को स्पष्ट देखें, पहले तो अपने को देखें, फिर अपने समाज को देखें। अब हमारे यहाँ बहुत से लोग हर एक धर्म से आए, मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है और बुद्धिस्ट है, महावीर के लोग हैं, सब तरह के लोग इस सहयोग में आए, और सबसे पहले मैंने ये देखा कि उन्होंने अपने समाज के बारे में मुझे बताया। जैसे कोई जैनी आए तो उन्होंने बताया माताजी ये जैनियों का दिमाग ठीक करो, कोई सिख आए उन्होंने बताया भाई सिखों का दिमाग ठीक करो, कोई ईसाई आए तो उनको माँ ईसाइयों को कब ठीक करोगे। हर एक में मैंने ये चीज देखी कि फौरन वो अपने से हट करके अपने समाज को देखे, अपने घर के लोगों को देखने लगते हैं, समाज को देखने लगते, फिर देश को देखने लगते हैं, और फिर पूरे विश्व को, सारे ग्लोबल प्रश्नों को लेकर के वो उलझ जाते हैं कि माँ देखो ये प्रश्न है, अब देखो वहां ये हो रहा है, आपको कुछ ना कुछ करना होगा, आपको देखना होगा। मैंने कहा तो अब दुनिया भर की मेरे ऊपर क्यों परेशानी डाल रहे, आप ही करते, इसको आप करें, इसको आपको ठीक करना है, ये आदमी सीख ले उसको ठीक करें, इस तरह से उलझ गए किस चीज में कि जो सारे विश्व का प्रश्न। बताइए एक सर्वसाधारण मनुष्य, एक खेतीहर है, वो सिर्फ अपने खेती की बात करे तो समझ में आता है, पर वो भी देख करके कह लगा कि अच्छा ये राबिन को मार डाला इन लोगों ने, ऐसा क्यों मार डाला, माँ आप इनकी शांति के लिए कुछ करो, इनके शांति का ठिकाना लगा। मैं हैरान हो गया, इसने कहा पड़ा, मैं अखबार में आया था एक शांति के दूत को मार डाला, आंखों में आंसू, कहा वो इन्होंने कभी उसको देखा भी नहीं, जाना भी नहीं कौन था कौन, पर अखबार में पढ़ा हूं। इस प्रकार एक सारे ही विश्व के साथ तादात, विश्व का जो आत्मा है विश्वात्मा, उससे एकाकारिता घटित, और जो वो आत्मा दुखी है वही अपने अंदर मनुष्य महसूस करता है, ऐसा वो विशाल हृदय, उसको अपनी छोटी छोटी बातें छोटी छोटी यातनाएं नहीं सोचती, वो ये नहीं सोचता कि मुझे ये तकलीफ है वो तकलीफ है ये परेशानी, बिल्कुल नहीं सोचता, उसको लगता है ये विश्व के प्रश्न कैसे ठीक होंगे, ये विशाल काज। फिर ऐसे आदमी के अंदर शक्ति आ गई, वो भी परमात्मा की शक्ति, जब वो ये सोचने ही लग गया तो वो प्रश्न भी ठीक होता था, उसकी इस विशालता से वो प्रश्न भी अपने आप हल हो जाता। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि माँ देखिए ऐसा हुआ एक बार कि हमें बड़ा प्रश्न पड़ा कि फलाने देश में ऐसी लड़ाई हो, तो हम लोगों ने सोचा प्रार्थना करें मेडिटेट करें कुछ करें और इच्छा करें, तो दूसरे दिन पेपर में आया कि सब शांति है। अब कोई विश्वास नहीं करेगा अगर कहा जाए कि ऐसा कोई कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं विश्वास करता मनुष्य, क्योंकि मनुष्य अपनी विशालता को अपने बड़प्पन को जानता है, जब तक उसने अपने ही को पहचाना नहीं तो वो अपना बड़प्पन कैसे जानेगा, वो कैसे जानेगा कि वो क्या चीज है, उसकी गरिमा क्या है और उसकी शक्तियां क्या है।
आत्मदर्शन के बाद आपको ये सब प्राप्त हो सकता है। कुंडलिनी के बारे में तो आप जानते ही हैं क्या है, चक्रों के बारे में भी आप जानते हैं कि क्या है, और चक्रों के जागरण से क्या होता है अभिव्यक्त। अभी अगर हम सिर्फ यही बात करें कि ये तंदुरुस्ती अच्छी होती, वो तंदुरुस्ती होती, तो लोग कहेंगे कि आपके अस्पताल खुले बैठे। सिर्फ अपनी तंदुरुस्ती अच्छा करना ये अक्सर जो का कार्य नहीं था इस जमाने का। पहले जो आता था वो मेरे बाप के, नाना के, दादा के, बाबा के सगे लड़के को कुछ होता, फिर माँ उसको आप चुप कर, फलाना शराब पी रहा है तो फलाना ये कर रहा है तो फलाना वो, यही चीज चलती थी। अब वो नहीं रहा। अब मुझे हैरान है कि मनुष्य कितना विशाल हो रहा है इस देश में, इस विशालता को प्राप्त कर रहा है। अब आप ही सोचिए कि एक जमाने में इस देश में ऐसे लोग हुए थे, ऐसे मनन करने वाले, ऐसे दृष्टा लोग जो विश्व के प्रश्न को लेकर के चलते थे, घर की छोटे ओछे सवालों के पीछे नहीं गए। अब इन लोगों की आप व्याख्यान सुने, इन लोगों का दर्शन ले, तो इसी देश में ऐसे महान लोग हो गए जिन्होंने हमेशा महान बातें सोची, महान कार्य। अब हम लोग पता नहीं कैसे किस गर्त में फंस गए हैं कि उस महानता को असंभव समझते हैं, हो ही नहीं सकते। हम ऐसे कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं? वो जो एक जमाने में लोग हुए, जो लोग एक जमाने में अंग्रेजों से लड़ सके, जिन्होंने देश के लिए इतना त्याग किया, क्या आज हमारे देश में वापस नहीं आ सकते? वो और कौन से देश में जाएंगे जिन्होंने इस देश को इतना प्यार किया, वो क्या इस देश में फिर से जन्म नहीं ले सकते? जिन्होंने त्याग किया देश के लिए, बहुत सारी यातनाएं उठाई, आज वो लोग फिर सहजीवों में से जागरूक हो। मुझे पूर्ण आशा है जो अपने देश को प्यार करेंगे और देश की व्यवस्था अच्छी करेंगे, शांति अमन आदि सब चीजें लाए, उसके बाद जब ये देश ठीक हो जाएगा तो और भी देश देखा देखी ठीक हो जाएगा। हमारे सामने तो विश्व के प्रश्न है ही, किंतु ये सोचना है कि इसमें कौन सा देश अगुआ होता है, कौन सा देश इसका झंडा उठाता है, कौन से देश के लोग ये कहते हैं कि हम एक ऐसा आदर्श देश बनाकर दिखाएंगे जहां लोग ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर हमारे सहयोग में आध्यात्म का यह मतलब नहीं कि बीवी को छोड़, बच्चों को छोड़ और जंगल में भाग, बिल्कुल भी नहीं, अपने ही अंदर अपने दर्शन करके इस उच्च स्थिति को प्राप्त कर, इस विशेष स्थिति जो हमारे लिए बनी हुई है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी कोई कठिन बात नहीं, ऐसी कोई त्याग भी कोई किसी चीज का करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मूर्खता का त्याग करना, सिर्फ दुर्बुद्धि का त्याग करना और संकीर्ण जो आपकी सेल्फिश टेम्परामेंट है उससे दूर भागना, उसको समझना चाहिए कि ये मेरे अंदर एक संकीर्ण बात है, और उसके बाद आप देखिएगा कि अपने आप आपको प्रश्न जो है खुलते जाए। आप परमात्मा पे तो विश्वास करते हैं कि आप ये सोचते हैं कि मंदिर में गए नमस्कार कर लिया, इधर में गुरुद्वारे गए नमस्कार, उसे नहीं होना। अंदर ये विश्वास जो आज तक हम करते आए वो धर्म हमारे अंदर नस नस में बच जाए। इस धर्म की महिमा ऐसी है कि इस धर्म के कारण अनेक महात्माएं इस देश में, मैं तो कहती इससे ज्यादा तो किसी देश में हुए ही, इस देश में जितने महात्माएं हुए और कहीं नहीं हुए, जितने साधु संत हुए उतने कहीं नहीं हुए। इसका मतलब अपना भारतवर्ष एक महान योगदान सारे दुनिया को दिया। मैं अभी चाइना गई थी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि चाइनीज वैसे तो पॉलिटिकली चाहे हमारे विरोध में हो, लेकिन कहते थे कि हम तो हिंदुस्तान से बहुत कुछ अपेक्षा करते हैं, बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने कहा क्या? मैंने आध्यात्म, हम जानते हैं कि वहाँ अध्यात्म की खान, लेकिन अभी तक किसी ने वो बताया नहीं। और हमारा जो स्टॉल था उसमें
लाइने पे लाइने, कतारे पे कतारे, क्यों पे क्यों लगे हुए, जहाँ लोग आकर पूछते थे क्या है सर। पेपर में तक आया, अमेरिकन भी हैरान हो गए कि इसमें क्या रखा हुआ है, यहाँ क्यों इतने लोग, और आप देख रहे हैं आपके सामने इतने लोग बैठे हैं फॉरेन के भी, जो कि आज सहयोग को प्राप्त करके आपके भारत की गौरव गाथा गा रहे हैं। आपको भी इस और नजर करना है, सहज में आपको पार तो होने में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप तैयार हैं। जैसे कोई बीज होता है, आप उसको पृथ्वी माता में डाल दीजिए तो पनप जाता है, क्योंकि बीज में भी शक्ति है और माँ में भी शक्ति है, लेकिन उसके बाद उसको वृक्ष होने में देर लगती है। वो जरूरी है, क्योंकि आपकी विशालता तभी दिखाई देगी जब आप वृक्ष स्वरूप हो जाए। उसके लिए ध्यान करना और ध्यान नहीं करना, उसके पर से प्रयोग नहीं किया जाता। इसका मजा तो तब आता है जब आप आध्यात्म में डुबकियां लगाते, उसमें पूरे गहरे बैठ जाएं, तभी आपको सहज का मजा आएगा और तभी आप समझ जाएंगे कि आप क्या और आप कितने विशाल हैं। और सब होते हुए भी अंदर से आप में एक तरह की ऐसी शांति और समाधान विराजमान रहेगा कि उस शक्ति के द्वारा ही आप अपने चित्त से ही चीज की कर सकते हैं। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका चित्त ही इतना सुंदर हो जाएगा कि उस चित्त के जहां भी ध्यान जाए, उस चित्त से आप बहुत सी चीजें ठीक कर सकते। तो थोड़ा सा अपने संकीर्ण वातावरण से निकल कर अपने को, अगर आपको और ऊंची दशा में लाना है तो ध्यान धारणा जरूर करें। बगैर ध्यान नहीं, ध्यान से सब चीज व्यवस्थित हो। अब यही बात है कि हमसे लोगों ने कहा कि आदमी लोग तो बहुत ध्यान करते हैं, औरतें कम करती हैं। आश्चर्य की बात है, मैं एक औरत हूँ, मैं भी स्त्री हूँ और मेरा भी घर है, मेरे बच्चे हैं, सब कुछ है, सबको चलाते हुए भी ध्यान से ही मैंने ये क्रिया प्रणाली ढूंढ निकाली कि हजारों लोग पार हो सकते हैं। तो मैं ये विनती करूँ कि भी औरतें अगर घर में ध्यान करें तो बच्चे भी ध्यान करते हैं। औरत शक्ति का बड़ा पुण्य है, और जहाँ औरतें ध्यान नहीं करेंगी वहाँ बच्चे भी नहीं करें। बच्चों को संभालने के लिए बहुत जरूरी है, पति तो करे ही, तो पति जो है वो चालना करता है घर की और स्त्री जो है उसका रक्षण करे। तो अगर पति ने ध्यान डालना करे तो पत्नी भी करे, बच्चे भी करें। और फिर सबसे बड़ी सहयोग की बात ये है कि ये सामूहिक अकेले नहीं। मैं अपने घर में पूजा करता हूँ माँ, और तो भी मुझे बीमारी हो गई, अकेले में नहीं। जो सामूहिकता में आ पाएंगे, जब सामूहिक से सहयोग को मानेंगे, तब आज का वर्तमान का सहयोग है। वो जमाने गए कि एक आदमी कहीं पार हो जाते, हजारों को पार करना है, लाखों को, करोड़ों को पार करना है, तो हमें सामूहिक होना पड़ेगा। और सामूहिक की शक्ति बहुत जबरदस्त है। मुझे बड़ी खुशी है कि दिल्ली में लोगों ने सहयोग को इसे अपने सर आंखों से उठा लिया और समझा है। इतने संवेदनशील, इतने सेंसिटिव लोग ये दिल्ली में है। बड़ी हैरानी की बात है कि जिस महाराष्ट्र में इतने संत साधु हो गए, वहाँ के लोगों को इतनी अकल नहीं दिखी आप लोगों को, देख कर हैरान। वो लोग सोचते हमें सब मालूम है, हाँ ये सब हमने जाना। वहाँ नवनाथ हो गए वो सब बेकार गए, वहाँ जितने साधु संत हुए सब बेकार। और इस तरह से जो आप लोगों ने इसको समझाया, अपनाया, इसको बढ़ाने के लिए अपना एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल ध्यान भी करना चाहिए और एक सामूहिक ध्यान में समावेश करना। मैं मानती हूँ हमारे पास जगह की कमी है और उसके लिए कुछ करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जहाँ भी सामूहिक प्राप्त हो जाएंगे आप, फिर और कोई बात करेंगे ही नहीं, सहज की ही बात। अभी तो
शुरुआत है और इससे आगे और भी हर जगह हमारा प्रोग्राम होने वाला है। जो लोग आ सकते हैं जरूर आएं।